हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, तो विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक डिस्कस कर रहा हूं। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण, उनके नाम क्या है तथा उनके कार्य क्या है, ये भी सब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उनका आविष्कार किसने किया था, किस देश के थे और किस सन में किया था, ये सब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने दो पार्ट डाल चुका हूं, पार्ट तीसरा है ना। तीन पार्ट में मैंने ये वीडियो कवर किया हूँ, क्योंकि काफी डिटेल में बताना पड़ता है सब काम की इन्फॉर्मेशन, जो आपको याद रखने में आसानी जाए। एग्जाम ओरिएंटेड देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सके और बाद में आप उसका रिवीजन कर सके। तो दोस्तों, फिजिक्स सारी हमने कंप्लीट करा दी है, लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है फिजिक्स। आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके देख सकते हैं। देखने के बाद आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, आपको जो चीज समझ नहीं आती तो उसको समझ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी अदर्स लेक्चर्स भी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है दोस्तों, तो उसको भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रख सकते हैं, है ना। तो दो लेक्चर मैं डाल चुका हूं, तीसरा लेक्चर है जो हमने यहां तक के सारा डिस्कस कराया था धमाकेदार तरीके से। अब हम यहां से डिस्कस करते हैं दोस्तों धमाकेदार तरीके से, काम की जानकारी और एग्जाम ओरिएंटेड देने की कोशिश करूंगा मैं। यहां लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, जय हिंद दोस्तों। देखो, यहां तक के डिस्कस हो चुका था, अब हम इस लेक्चर में आगे के डिस्कस करते हैं। बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था, याद रखना है, किसने किया था, इंटेल कंपनी ने। इंटेल कंपनी के इंजीनियरों ने साल 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसका नाम रखा था इंटेल 4004 बनाया था, उसका नाम ही रख दिया था इंटेल 4004 बनाया था। इस माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्ट कौन थे, इस माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्ट का नाम था मार्शियन टेड हॉप, है ना। ये थे इसके आर्किटेक्ट, इस माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्ट थे मार्शियन टेड हॉप थे, है ना, हॉप थे। तो ये नाम आता है दोस्तों, कभी नाम आएगा तो मार्शियन टेड हॉप थे। इसके अलावा इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में स्टेनली माजोर, यानी तीन लोगों का और नाम आता है, स्टेनली माजोर, फ्रेडरिको फेगिन और मासातोशी सीमा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना है दोस्तों, है ना। तो देखो, ये वैज्ञानिक का नाम तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया था आपको, मार्शियन टेड हॉप। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग रहता है लूसेंट की बुक में, है ना, क्योंकि नाम इंग्लिश में बने गए थे और हिंदी में ट्रांसलेट होकर छपे हैं, इस वजह से ऐसे नाम छप जाते हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्शियन टेड हॉप थे, है ना, तो ये याद रखना है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा एकीकृत सर्किट होता है दोस्तों, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को करने का काम माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही आज के कंप्यूटर इतने छोटे हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही आज के कंप्यूटर इतने छोटे हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं आता तो कंप्यूटर का आकार छोटा नहीं होता, है ना, छोटा नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर के आकार इतने छोटे नहीं होते। तो एक भारत की बात भी बताता हूँ, नोट करके याद रखिए, नोट के, भारत में यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, जिसे शक्ति नाम दिया गया था, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार डच चश्मा निर्माता, दोस्तों डच क्यों बोला मैंने, क्योंकि नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, जो नीदरलैंड देश है उसका पुराना नाम हॉलैंड था, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को डच कहते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, डच। तो मैंने क्या बोला, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार डच चश्मा निर्माता, पिता पुत्र की जोड़ी थी दोस्तों, एक का नाम था हंस, है ना, पिता पुत्र की जोड़ी, तो पिता का नाम था हंस और लड़के का नाम था, उसके बेटे का नाम था जकारियास जैनसेन, है ना, ये नाम था जकारियास जैन
सेन, ये नाम था दोस्तों, ने ने, देखो यहां पे यही तो लिखा हुआ है, यहां पे यही लिखा है, देखो है ना, ये लिखा हुआ है, जकारिया को जेड लिख दिया उसने और जॉन सेन है ना, जॉन सेन को जैन सेन भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर उसको लिखेंगे तो ऐसा रहेगा जैन सेन, जैन सेन, जामे आई की मात्रा जैन सेन, तो प्रोनाउंसिएशन होता है थोड़ा सा गड़बड़ लेकिन आपको याद रखना है बस। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार डच चश्मा निर्माता पिता पुत्र की जोड़ी हंस और जकारियास जैन सेन ने 1590 में किया था दोनों किया था दोस्तों 1590 में किया था। उन्होंने एक ट्यूब के एक सिरे पर अलग अलग शक्ति के दो लेंस लगाकर पहला सरल माइक्रोस्कोप बनाया था है ना। उससे उस उपकरण से यानी उस उपकरण जो बनाया था उस उपकरण से वे सूक्ष्म कणों को देख सकते थे, वे सूक्ष्म कणों को, छोटी चीजों को देख सकते थे, सूक्ष्म कणों को देख सकते थे, ये याद रखना इससे इतना ही। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल की बात करते हैं अपन, तो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक जिसका नाम था दोस्तों गॉटलिब डेमलर, और दो लोग का नाम आता है इसमें, एक और नाम आता है जिसका नाम था विलहेम मेबेक, दो लोगों का नाम आता है जिसमें से एक नाम अपने को डेमलर का याद रखना जरूरी है, कभी पूछा जाएगा तो डेमलर का पूछा जाएगा, लेकिन अपने को दोनों का नाम भी याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है। दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक गॉटलिब डेमलर और विलहेम मेबेक ने 1885 में किया था। इसका नाम उस टाइम में इन लोगों ने रखा था डेमलर रिटवागेन रखा था, जिसका मतलब होता है द राइडिंग कार। यह पेट्रोल ईंधन से चलने वाली मोटरसाइकिल थी दोस्तों, यह पेट्रोल ईंधन से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई थी इन्होंने, और इसमें साइकिल की तरह ही हैंडल लगे हुए थे, और इसकी रफ्तार वैसे उस टाइम पे कम थी, शुरू में बनी थी तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मोटरसाइकिल बनाने का आइडिया उन लोगों को साइकिल से ही आया था दोस्तों, साइकिल बनी पहले, फिर साइकिल के बाद उन्होंने सोचा इसमें पैडल मारना पड़ता है तो इसमें अपन इंजन लगा देते हैं, जिससे तो उसका नाम हो गया मोटरसाइकिल नाम हो गया, समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अपन माइक्रोफोन की, माइक्रोफोन क्या होता है ये सबसे पहले पता होना आपने को। माइक्रोफोन को हम साधारण बोलचाल की भाषा में माइक भी कह देते हैं, क्या कहते हैं माइक बोलते हैं कि नहीं, है ना, जैसे फोन का माइक खराब हो गया, दुकान में जाते हैं अपन माइक खराब हो गया यार इसका, है ना, तो माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं अपन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इसका प्रमुख कार्य आवाज या ध्वनि को कैच करके उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना है। मैंने क्या बताया इसका कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य आवाज या ध्वनि को कैच करके उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना होता है, जिसे फिर उस सिग्नल को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब है यहाँ पे सीधे माइक से, है ना, माइक से। तो अपन बात कर रहे थे माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ये पता होना अपने को, तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया ये जानकारी होना। तो दोस्तों देखो क्या हुआ था, माइक्रोफोन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो माइक्रोफोन का आविष्कार एमिल बर्लिनर ने किया था, है ना, कब किया था, 1876 में किया था। तो माइक्रोफोन का आविष्कार बर्लिनर ने 1876 में किया था दोस्तों। फिर क्या हुआ, बर्लिनर ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन में माइक्रोफोन जोड़ दिया था दोस्तों, है ना, माइक्रोफोन जोड़ दिया था।
तो बर्लिनर ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन में, तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था कि नहीं, ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो उसके टेलीफोन के आविष्कार में टेलीफोन में माइक्रोफोन जोड़ दिया था, है ना, तो माइक्रोफोन को जोड़ दिया था तो फिर दोनों का नाम आता है दोस्तों। लेकिन फिर क्या हुआ, माइक्रोफोन जोड़ दिया था, तो जोड़ने के बाद उसने और उसमें इम्प्रूवमेंट करके माइक्रोफोन बना दोस्तों, जो सेल फोन टेलीफोन है ना, टेलीफोन में जुड़ने लगा दोस्तों और बन गया दोस्तों, है ना, इनपुट डिवाइस थी जो आवाज़ को अंदर ले लेता था, इनपुट ले लेता था, अंदर ले लेता था, और ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलने वाला एक ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता था, है ना, ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता था और आवाज को उधर भेज देता था दोस्तों, ट्रांसफर कर देता था, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ऑप्शन रहेगा, तो वो लगा सकते हैं आप, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये यूएसए के थे, 1876 में किया था, यूएसए के थे, 1876 में किया था, याद रखना है दोस्तों, है ना। पहले किसने किया बता दिया मैंने, फिर उन्हीं लोगों ने साथ में, वही सन की बात है साहब, है ना, वही सन की बात है, इसलिए इसका नाम आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया पूछेगा कभी, तो टेलीफोन का आविष्कार भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ये याद रखना है। बात करते हैं अपन अब पेनिसिलिन की खोज स्कॉटलैंड के चिकित्सक वैज्ञानिक, तो दोस्तों स्कॉटलैंड इंग्लैंड में ही आता है, यानी उसमें नहीं आता, यानी ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन उसके अंतर्गत दो तीन देश आते हैं ना, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, है ना, और तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कॉटलैंड बोला, तो स्कॉटलैंड के थे दोस्तों ये। तो पेनिसिलिन की खोज स्कॉटलैंड के चिकित्सक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी दोस्तों, लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में उन्होंने इसकी खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज के लिए उनको 1945 में, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में मेडिसिन का नोबल दिया गया था दोस्तों, है क्या नहीं, तो ऐसा हुआ था। तो पेनिसिलिन की खोज ने एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत की थी और पेनिसिलिन कवक से बना था दोस्तों, एक कवक से बना था, याद रखना है, पेनिसिलिन को सबसे पहले इसने कवक से बनाया था, कवक से बनाया था, है ना, कवक कहाँ कहाँ होता है तो आप तो जानते ही हैं, कवक से बनाया था, और जिससे पेनिसिलिन बनाया था, और दर्द में या घाव में लगा देते थे तो जो हानिकारक बैक्टीरियों के विकास को रोक देता था, ये बैक्टीरिया के विकास को रोक देता था और घाव को ठीक कर देता था, तो इस वजह से फिर एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रकाश के वेग यानी गति की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है ना। तो प्रकाश की गति की खोज डेनिस खगोल शास्त्री, उनका नाम पूरा था ओले रोमर ने की थी, याद रखना है ना। तो प्रकाश की गति की खोज डेनिस खगोल शास्त्री ओले रोमर ने की थी। रोमर ने बृहस्पति के चंद्रमा के आयो के ग्रहों का अध्ययन किया था, यानी ग्रहों का अध्ययन करके प्रकाश की गति का पता लगाया था। रोमर ने यहाँ भी साबित किया था कि प्रकाश एक सीमित गति से यात्रा करता है, है ना, इतनी चीजें याद रखना है। प्रकाश की गति की खोज किसने की पूछेगा, रोमर ने, डेनमार्क के थे, 1676 में की थी दोस्तों, कब की थी, 1676 में की थी, है ना। रोमर की खोज उस समय विवादास्पद थी, हालांकि सर आइजेक न्यूटन जैसे कई वैज्ञानिकों ने उनका समर्थन किया था कि ये सही बता रहे हैं करके, बाद में पता चला कि ये सही बताए हैं करके, है ना, तो ये याद रखना है अपने को इतना। प्रेशर कुकर की बात करते हैं अपन, प्रेशर कुकर में अपन ने दाल तो बनाए होंगे, है कि नहीं, तो प्रेशर कुकर का आविष्कार फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री डेनिस पापिन ने किया था दोस्तों, पापिन डेनिस पा
पापीन, पापीन यहाँ पे पैपिन लिख दिया है, ऐसा लिखा हुआ है पापीन। पापीन ने साल 1679 में किया था, साल 1679 में किया था। उन्होंने स्टीम डाइजेस्टर नाम दिया था उसका, है ना, प्रेशर कुकर का नाम क्या दिया था इन्होंने, स्टीम डाइजेसर नाम दिया था। डेनिस पापीन ने अपने प्रेशर कुकर में एक सुरक्षा बल्ब लगाया था जिसे अपन सीटी बोलते हैं, जिससे विस्फोट की आशंका कम हो जाती थी, है ना। तो प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था, इंग्लैंड के थे, 1679 में किया था, याद रखना है दोस्तों। की बात करते हैं तो पेपर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, पेपर का मतलब यहाँ पे कागज से है, कागज का आविष्कार चीन के निवासी, चीन के एक निवासी थे जिनका नाम था काई लून ने किया था, है ना। काई लून जो थे ये हान राजवंश के समय शाही चीनी अदालत में काम करने वाले एक गणमान्य व्यक्ति थे, है ना। कहाँ पे, तो हान राजवंश के समय शाही चीनी अदालत में काम करने वाले एक गणमान्य व्यक्ति थे। इन्होंने कब, तो 105 ईस्वी में कागज बनाने की तकनीक विकसित की थी इन्होंने। 105 देखो यहाँ लिखा है, इन्होंने 105 ईस्वी में कागज बनाने की तकनीक विकसित की थी। कागज बनाने के लिए उन्होंने पुराने कपड़े, पेड़ की छाल और मछली पकड़ने का जाल और भूसा उसा कई सारी चीज़ को लेके बना के एक मोटा खड्डे टाइप का पहले चादर टाइप का बनाया था और उसको गीला करके उसको पेस्ट बना के सुखाया था, ऐसा करके हुआ दोस्तों, है ना। ऐसा करके कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, तो कागज का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में ही हुआ था। कागज बनाने की तकनीक जापानियों ने जल्दी सीख ली और ज़्यादा बनाने लगे जापानी लोग। उसके बाद कागज का औद्योगिक उत्पादन 19वीं सदी से जो शुरू होता है और क्रांति ही आ गई कागज के उत्पादन में। बात करते हैं नेक्स्ट, पैराशूट की बात करेंगे अपन। अब पैराशूट, तो दोस्तों पैराशूट का आविष्कार किसने किया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, पैराशूट का आविष्कार सबसे पहले, पैराशूट की कल्पना सबसे पहले 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ने की थी दोस्तों, उन्होंने पैराशूट के डिजाइन में अपने प्रसिद्ध, यानी पैराशूट का डिजाइनर ऐसा उड़ेगा करके बताया था। लेकिन हमको क्वेश्चन आएगा कि पैराशूट का आविष्कार किसने किया, तो पैराशूट का आविष्कार लुइस एस लेनोरमैंड, है ना, ये नाम है दोस्तों, है ना, लुइस एस लेनोरमैंड ने किया था, ये नाम आएगा, है ना, ये नाम आएगा। और ये नाम अगर नहीं आता तो फिर आपको नाम आएगा, ये वाला याद रख लेना है आपको, नाम क्या नाम है इसका, जीन पियरे क्लांचार्ड ने किया था। फ्रांस के थे ये 1795 में किया था। तो दोस्तों पैराशूट का आविष्कार करने का श्रेय भी कई लोगों को दिया जाता है, तो मैंने एक जो नाम सबसे पहले बताया उसका याद रखना है, कई बुकों में लिखा हुआ है लियोनार्डो दा विंची ने किया था। उसके बाद बोला गया है किसने किया था, सबसे ज़्यादा नाम इम्पॉर्टेंट है, लुइस एस लेनोरमैंड जो मैंने बताया था। और उसके बाद यहाँ पे एक नाम लिखा है तो इसको भी याद रख सकते हैं, जीन पियरे क्लांचार्ड ने किया था। अब बात करते हैं अपन प्लास्टिक की दोस्तों, तो प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक का आविष्कार करने का श्रेय भी कई लोगों को दिया जाता है दोस्तों, है ना। अब देखो दोस्तों क्या बात हो रही है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के आविष्कार करने का श्रेय कई लोगों को दिया जाता है, जिसमें से एक का नाम है अलेक्जेंडर पार्क्स। तो अलेक्जेंडर पार्क्स जो थे वो एक ब्रिटिश केमिस्ट, अलेक्जेंडर पार्क ने 1856 में पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया था। उन्होंने इस प्लास्टिक को पार्केसिन नाम दिया था, जिसे बाद में सेलुलाइट कहा गया।
तो जिसे बाद में सेलुलाइट कहा गया था, ये नाम आता है याद रखना है, अलेक्जेंडर पार्क्स ने बनाया था प्लास्टिक सबसे पहले, ब्रिटेन के थे ये, 1862 में बनाया था, 1862 में बनाया था, है ना। तो और दो तीन लोगों का नाम आता है दोस्तों प्लास्टिक के आविष्कार करने में, और एक और नाम आता है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लिख के, लियो 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 बेकलैंड, लियो बेकलैंड का नाम भी आता है जिसने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। तो लियो बेकलैंड ने साल 1907 में दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक बेकलाइट बनाया था, बेकलाइट बनाया था, है ना, बेकलाइट बनाया था। तो और इसी ने प्लास्टिक शब्द गढ़ा था, यानी प्लास्टिक शब्द का यूज किया था, ये नाम आता है। इसके अलावा एक और नाम आता है जो मैं आपको बताता हूँ, जॉन वेस्ले हयात, है ना। जॉन वेस्ले हयात ने 1869 में पहला सिंथेटिक पॉलीमर बनाया था। उन्होंने कपास के रेशे से प्राप्त सेलुलोज को कपूर के साथ, है ना, कपूर के साथ उपचारित करके यह प्लास्टिक बनाया था दोस्तों। तो कई लोगों का नाम आता है प्लास्टिक बनाने में, लेकिन अपने को याला नाम याद रखना है जो इंपॉर्टेंट अपने को परीक्षा के हिसाब से याद रखने लायक है ना ये। अब बात करते हैं अपन प्रोपलर, तो प्रोपलर क्या होता है? प्रोपलर एक ऐसा उपकरण होता है जो पंखे के समान होता है दोस्तों, जिसकी घूर्ण यानी घूमता तब है जब जब हम बोल सकते हैं जैसे कि किसी वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसी वाहन को या फिर कोई मशीन को या कोई वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, है ना, इसका इस्तेमाल आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो प्रोपेलर बोल सकते हैं इसको, प्रोपेलर या प्रोपलर। तो प्रोपलर एक ऐसा यंत्र होता है जिसे किसी वाहन पर लगाकर उसे आगे धकेला जाता है, किसी वाहन पर लगाकर उसे आगे धकेला जाता है, है ना। जैसे कि ये मोटर में लगी रहता है, हवाई जहाज का पंखा में लगा रहता है, जहाज के सामने या पीछे लगा रहता है, है ना, ये रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे बात हो रही है जलयान की, तो जलयान का प्रोपलर का आविष्कार किसने किया था, ये बात कही गई है यहाँ पे। तो किसने किया था, तो ये फ्रांसिस स्मिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस स्मिथ ने किया था, ब्रिटेन के थे ये, 1837 में किया था याद रखना है। तो फ्रांसिस स्मिथ ने ब्रिटेन के थे ये 1837 में इसका आविष्कार किया था। तो बात हो रही है जलयान वाले की, यानी जैसे जहाज में सामने भी लगा रह सकता है या पीछे भी लगा रह सकता है, एक पंखे टाइप का होता है जैसे ये है ना ये, और यहां लगा रहता है। तो दोस्तों जब ये घूमता है तो पीछे ढकेलता है कोई भी चीजों को, है ना, तो वाहन को लगाकर उसे आगे ढकेलता है, या नहीं आगे ढकेलता है, पीछे नहीं आगे ढकेलता है और आगे बढ़ती है ना, जहाज आगे बढ़ता है, तो उसी को बोला गया है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये हमको पूछा जा सकता है ना, ये हमको पूछा जा सकता है। तो प्रोपलर का आविष्कार फ्रांसिस स्मिथ ने किया था, ब्रिटेन के थे, 1837 में किया था, ये याद रखना है, 1837 में किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन प्रिंटिंग प्रेस की, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो फिर भी मैं बता देता हूँ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। तो प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के एक सुनार और एक व्यक्ति थे, है ना, आविष्कारक थे, जर्मनी के थे, 1455 की बात है, जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग, या इनका नाम कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था दोस्तों, याद रखना है, है ना, जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था, याद रखना है। तो उन्होंने एक प्रिंटिंग शुरू की थी, प्रिंटिंग मशीन तैयार की थी, और उसे गुटेनबर्ग प्रेस कहा था। गुटेनबर्ग ने टाइप के टुकड़े को कास्ट करके धातु के मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था दोस्तों। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, याद रखना है, तो अपने को पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार पहले जर्मनी में हुआ और फिर वहाँ पे कई सारी किताबें छपी थी, बाइबल छपी, पत्रिकाएं छपी, दूसरे दस्तावेज को छापा गया था, ये याद रख सकते हैं अपन, है ना, ये
इतना याद रख सकते हैं। और प्रेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पुर्तगालियों ने 1557 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में बॉम्बे में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। इसके बारे में मैंने जीके में आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये याद रखना है प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड इतनी जानकारी। प्रिंटिंग प्रेस के बाद बात करते हैं अपन पाकिक मीटर की। तो पाकिक मीटर एक मीटर होता है, पाकिक मीटर है ना, एक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल किसी वाहन को सीमित समय के लिए पार्क करने में है ना पैसा वसूलने के लिए किया जाता है। दोस्तों पार्क करने में पैसा वसूलने के लिए किया जाता है। तो पाकिक मीटर का आविष्कार किसने किया था, अगर एक क्वेश्चन आ सकता है अपने को, तो किसने किया था, कार्ल टन मैगी ने इसका आविष्कार किया था, यूएसए के थे ये, 1935 में किया था, याद रखना है। पाकिक मीटर का आविष्कार कार्ल टन मैगी ने किया था, अमेरिका के थे ये, 1935 में किया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पाश्चुरीकरण की बात करते हैं है ना, पाश्चुरीकरण या पशुकरण या पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया, पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया या उसे हिंदी में बोलते हैं पाश्चुरीकरण। तो दोस्तों यह प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसका नाम था लुई पाश्चर ने किया था, लुई पाश्चर ने किया था और उस खुद के नाम पे उसका प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम पाश्चुरीकरण रखा था है ना, पाश्चुराइजेशन रखा था, याद रखना है। तो पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया में तरल पदार्थ या भोजन को गर्म करके तेजी से ठंडा किया जाता है, पहले गर्म करते हैं इकट्ठे और उसके बाद तेजी से ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उससे उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है, उसमें जो तरल पदार्थ के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है जो खराब होने या बीमारी का कारण बनते हैं, जो खराब हो सके वो बाद में या बीमारी का कारण बनते हैं। पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल सबसे पहले वाइन को रोगाणु से मुक्त करने के लिए किया गया था, सबसे पहले वाइन जो होती है पीने वाली, वाइन को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल दूध में सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए भी किए जाने लगा, पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया के लिए जरूरी तापमान खाद्य पदार्थों में प्रकार के हिसाब से बदलते रहते हैं और अलग अलग है दोस्तों, जैसे कि दूध में अलग है, दूध को 30 मिनट तक गर्म करते हैं 62 डिग्री सेल्सियस तक, वाइन का अलग है, सबका अलग है, याद रखना है ना। पाश्चुराइजेशन के बाद भोजन या दूध को हवा बंद कटोरे या पैकिंग में पैक करके सील बंद करके रख दिया जाता है तो कई दिन तक के सुरक्षित रहता है, उसे ही पाश्चुराइजेशन कहते हैं दोस्तों, याद रखना है, लुई पाश्चर ने किया था है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है लुई पाश्चर से, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। उन्होंने 1885 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रेबीज का टीका बनाया था। यह टीका खरगोश की रीढ़ की हड्डी से बनाया था दोस्तों है ना, रीढ़ की हड्डी से बनाया था। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके के लिए पूरी दुनिया को बताया कि रेबीज का टीका लगवाना जरूरी है ना, रेबीज के टीका लगाना जरूरी है ना, जरूरी है ये बताया दोस्तों, ये बताया था, याद रखना है। और अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता गीधड़ या भेड़िया काट ले या बंदर काट ले तो रेबीज का टीका लगाना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है लगाना है ना, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और रेबीज के टीके को लगाने की सलाह 72 घंटे के अंदर दी जाती है कि 72 घंटे के अंदर लगवा लो तो एक नंबर रहेगा, है कि नहीं, समझ में आ गया, बस इतनी चीज़ें बता रहा था मैं। बात करते हैं अब रडार की, रडार का फुल फॉर्म आ जाता है कई बार परीक्षा में, क्या होता है रडार का फुल फॉर्म, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, याद रखना है ये फुल फॉर्म कई बार आ जाता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है दोस्तों, रेंगिंग होता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या किया जाता है, पेपर में आता है तो अपन इसको देख लेते हैं फटफट से है ना। तो देखो रडार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये अपने को पता होना, तो रडार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो रडार जो होता है, रडार का आविष्कार किसने किया था उसके पहले इसका इस्तेमाल बता देता हूँ मैं। तो एक ऐसा उपकरण होता है जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके आसपास की चीज़ों का पता लगाता है, रडार है ना, ये याद रखना है। तो रडार का आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक
रडार का आविष्कार ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी स्कॉटलैंड है ना। ब्रिटेन के अंतर्गत चार देश आते हैं, ब्रिटेन के अंतर्गत चार देश आते हैं, उसमें से एक स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था दोस्तों, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था 1930 में, याद रखना है ना। तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था 1930 में। तो ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा अपने को, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नहीं। उसके अलावा आप अगर कई चीज देखेंगे तो रडार का आविष्कार में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है हेनरी टीजर्ड का नाम भी आता है कई जगह, टीजर्ड का नाम भी आता है रडार का आविष्कार में, कई लोगों को नाम रहता है दोस्तों है ना, तो हेनरी टीजर्ड। लेकिन अपने को परीक्षा के हिसाब से ये वाला नाम याद रखना है जो स्कॉटलैंड के थे, 1930 में आविष्कार किए थे रॉबर्ट वाटसन वाट। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके किसी वस्तु की दूरी और गति का पता लगाता है दोस्तों, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिंटिंग टेलीग्राफ। दोस्तों प्रिंटिंग टेलीग्राफ क्या होता था, तो संदेशों को प्रिंट करने वाली एक मशीन थी, ये जो संदेश होते थे, संदेश आते थे, संदेशों को प्रिंट करने वाली एक मशीन थी। तो ये अपने को पता होना, प्रिंट टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो प्रिंटिंग टेलीग्राफ का आविष्कार डेविड एडवर्ड ह्यूज ने किया था। ब्रिटेन के थे और कब किया था इन्होंने, 1855 में किया था। इस टेलीग्राफ में वर्णमाला के 26 कुंजियों वाला कीबोर्ड और एक घूमता हुआ टाइप व्हील था दोस्तों। यह प्रणाली बहुत स्थिर और सटीक थी, ये इतना ही याद रखना बस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेडियो टेलीग्राफ की। रेडियो टेलीग्राफ को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं वायरलेस टेलीग्राफी है ना। तो वायरलेस टेलीग्राफी क्या होता था, तो संकेत जो होते थे, संकेत तारों या केबलों के बजाय, जो संकेत होते थे तारों या केबलों के बजाय रेडियो तरंगों के जरिए भेजे जाते थे उसे ही रेडियो टेलीग्राफी कहा जाता है दोस्तों है ना। तो अपने को क्वेश्चन पता रहना चाहिए, क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है कि रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार इटली, कहाँ के, इटली के भौतिक शास्त्री जिनका नाम था जी मार्कोनी, इनका पूरा नाम था, जी से है गुगली लामो मार्कोनी ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो कब किया था, 1901 में किया था, याद रखना है। तो रेडियो टेलीग्राफी को पहले वायरलेस टेलीग्राफी युग के नाम से जाने जाने लगा और इस युग की शुरुआत होती है रेडियो टेलीग्राफी है ना, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन रेजर की। तो रेजर का आविष्कार किसने किया था, अपने को पता होना, तो दोस्तों रेजर वही है जो ब्लेड नहीं होती क्या, ब्लेड, रेजर की ब्लेड जिससे अपन दाढ़ी बनाते हैं, जिसको हिंदी में उस्तरा कहते हैं, उस्तरा है ना, उस्तरा कहते हैं, वही वाला है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन रेजर। तो रेजर का आविष्कार करने का श्रेय दोस्तों, रेजर के आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है किंग कैंप, इनका पूरा नाम था किंग कैंप जिलेट को दिया गया है। इन्होंने 1901 में यूएसए के थे, इन्होंने 1901 में सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था, किसका, कौन सी रेजर, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। सेफ्टी रेजर का मतलब जो अपन नॉर्मली जो रेजर होता है दोस्तों उसे सेफ्टी रेजर कहते हैं, नॉर्मली जो रेजर होता है ना, जो ब्लेड होती है ये रेजर होता है उसे सेफ्टी रेजर कहते हैं, याद रखना है, उसे सेफ्टी रेजर कहते हैं। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार करने का श्रेय किंग कैंप जिलेट को दिया जाता है। जिलेट ने 1901 में सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था है ना, जो काफ़ी पतला और सस्ता भी था, जो आसानी से मार्केटों में मिल जाता था, तो ये पता होना है ना, ये यूएसए के थे, 1901 में किया था। उसके बाद दोस्तों कुछ साल बाद क्या हुआ, फिर विद्युत रेजर आने लगे जो विद्युत से चलते थे, सेल से चलते थे, बैटरी से चलते थे
और आसानी से काटने में मदद करते थे। तो विद्युत उस्तरा है ना, विद्युत रेजर को हम विद्युत उस्तरा भी बोल सकते हैं, उस्तरे है ना। विद्युत उस्तरा का आविष्कार किसने किया था, उसका नाम था जयकेब सिख ने किया था, नाम याद रखना है। तो विद्युत उस्तरे का आविष्कार किसने किया था, तो जयकेब सिख ने किया था। ये यूएसए के थे और 1931 में आविष्कार किया था, यूएसए के थे और 1931 में आविष्कार किया था दोस्तों, है ना, आविष्कार किया था। तो बाद में इन्होंने फिर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था सिख ड्राई सेवर कंपनी शुरू की थी दोस्तों। तो रेजर विद्युत वाला पूछेगा तो इनका नाम याद रखना है, और सेफ्टी रेजर बोलेगा तो इनका नाम याद रखना है और सन याद रख लेना है। बात करते हैं अपन रेफ्रिजरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हिंदी में शीतक पटग्रह। हिंदी में बोल सकते हैं अपन इसको शीतक पटग्रह। इसका एक और नाम है हिंदी में, इसको बोलते हैं प्रशीतक भी बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर को, है ना। इसको शीत यंत्र भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसे आम बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में अपन क्या बोल देते हैं इसको, फ्रिज कहते हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को ठंडा रखता है, ठंडा करने में काम आता है, तो आप जानते ही हैं ये सब चीज़। तो इसका आविष्कार किसने किया था अपने को पता होना, है ना। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन ने किया था दोस्तों। किसने किया था, हैरिसन ने किया था। वह एक और नाम आता है टीनिंग, हैरिसन व टीनिंग ने किया था, याद रखना है। एक नाम क्या है, हैरिसन व टीनिंग ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, याद रखना है दोस्तों, है ना, याद रखना है। बस इतनी चीजें याद रख सकते हैं यहां से, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका नाम पूछा जा सकता है कि किसने आविष्कार किया था दोस्तों। क्या हुआ था 1856 में, 50 के बाद 56 में, है ना, 56 में जेम्स हैरिसन, नाम पूरा क्या था इनका, जेम्स हैरिसन ने पहला व्यवहारिक वाष्प संपीड़न प्रतिशीतन प्रणाली बनाई थी, यानी फ्रिज का आविष्कार किया था। तो इन्होंने कैसी वाली बनाई थी, व्यवहारिक वाष्प फ्रिज बनाई थी, इसलिए इन दोनों का नाम आता है। जबकि फ्रिज के आविष्कार करने का श्रेय तो कई लोगों को दिया जाता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ये इसकी, है ना, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। नहीं तो कई सारी बनाए थे पहले, कई लोगों ने कृत्रिम वाली भी बनाया, कई कुछ बनाया। तो अपने को इनका नाम याद रखना है, जिसका नाम था जेम्स हैरिसन और दूसरा नाम था टीनिंग, दो लोगों ने किए थे, ये याद रखना है, इतना याद रखना है इससे। अब बात करते हैं, इधर थोड़ा सा बचा है तो इसको भी अपन खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं अपन रबड़ की, है ना, रबर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, रबर का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिकी रासायनिक और विनिर्माण इंजीनियर गुडईयर को जाता है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने बनाया था दोस्तों रबर, है ना, सबसे पहले इन्होंने बनाया था रबर, याद रखना है। क्या नाम है उसका, चार्ल्स गुडईयर को दिया जाता है। इन्होंने रबर का वाल्कनाइज करने का तरीका खोजा था दोस्तों, जिसको ही वाल्कनीकृत बोलते हैं। वाल्कनीकृत में क्या होता है, इन्होंने कैसे खोजा था ये तरीका, तो इन्होंने 1839 में क्या किया, रबर और सल्फर को मिश्रण को गलती से गर्म स्टोव पर गिरा दिया था दोस्तों, है ना। गलती से क्या हुआ था इसको, रबर और सल्फर के मिश्रण को गलती से गर्म स्टोव पर गिरा दिया था, तो उससे बाद में एक मजबूत रबर तैयार हो गया। तो इसको एक नई चीज पता चली कि अपन रबर को सल्फर के साथ हीट करने पर, गर्म करने पर एक नया रबर तैयार होता है जो काफी मजबूत और लचीला था, इसलिए इसे ही, इस प्रक्रिया का नाम उसने क्या रखा, वाल्कनीकरण की प्रक्रिया रखा दोस्तों, वाल्कनीकरण की प्रक्रिया रखा। इस प्रक्रिया से रबड़ और ज़्यादा उपयोगी हो गया और रबड़ और ज़्यादा मजबूत भी हो गया, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रबर में वाल्कनीकृत की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो वो नाम था इसका चार्ल्स
गुड ईयर ने की थी, यूएसए के थे ये और 1841 में की थी, यूएसए के थे ये और 1841 में की थी, याद रखना है दोस्तों, 1841 में की थी, याद रखना है। तो अब कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आता है कि रबर में सबसे पहले रबर पौधे का दूध यानी फोम किसने बनाया था, तो डनलप रबर कंपनी ने बनाया था दोस्तों, एक डनलप की रबर कंपनी है, उसने बनाया था, है ना, उसने बनाया। तो क्वेश्चन कभी आया रबर जो है पौधे के दूध वाला फोम की खोज किसने की थी, तो डनलप रबर कंपनी ने बनाया था, ब्रिटेन की कंपनी थी, 1928 में बनाया था, 1928 में बनाया था, डनलप के नाम पे रखा गया था दोस्तों ये कंपनी का नाम, है ना, डनलप वही है जिसने सबसे पहले टायर बनाया था, है कि नहीं। दूसरा बात करते हैं रबर टायर किसने बनाया, तो रबर टायर बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों थॉमस हान कॉक को, थॉमस हान कॉक को जाता है, ये ब्रिटेन के थे, 1846 में बनाया था, किसने बनाया था टायर, टायर कौन सा रबर टायर बनाया था, थॉमस हान कॉक, थॉमस हान कॉक ने बनाया था, है ना, थॉमस हान कॉक ने बनाया था, ब्रिटेन के थे, ये नाम याद रखना है। दूसरा है रबर जल रोधी वाला रबर किसने बनाया था, जल रोधी वाला रबर बनाया था चार्ल्स मैकिनटोस ने, चार्ल्स मैकिनटोस ने बनाया था, ब्रिटेन के थे ये, 1823 में बनाया था, तो चार्ल्स मैकिनटोस ने जल रोधी रबर बनाया था, याद रखना, इसका आविष्कार किया था, है ना। तो इतनी चीजें अपने को परीक्षा के हिसाब से रबर से रिलेटेड यहाँ पता रहना चाहिए, है ना, रबर से रिलेटेड मैंने बताया सबसे पहले ये वाला याद रखना है, ये वाला फिर याला याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट को, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो रिवॉल्वर का आविष्कार अमेरिकी आविष्कारक उद्योगपति और व्यवसायी थे ये, जिनका नाम था सैमुअल कोल्ट ने, यूएसए के थे ये 1935 में, इसका आविष्कार किया था, और दोस्तों इन्होंने ही इसका पेटेंट भी करवाया था, 1936 में इन्होंने इसका पेटेंट भी करवाया था, याद रखना है। तो पूछा जा सकता है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, अपने को पता होना, सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड में आता है दोस्तों ये लॉन्ग प्लेइंग नाम की एक यंत्र था, तो इसके बारे में सुनिए, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड बोलते थे इसको, शॉर्टकट में एलपी बोलते थे, है ना, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड संगीत का एक लंबे समय तक चलने वाला विनाइल रिकॉर्ड होता था जो रिकॉर्ड कर सकता था, है ना, तो ये संगीत का एक लंबे समय तक चलने वाला विनाइल रिकॉर्ड होता था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड का आविष्कार किया था जिसमें 40 साल तक रिकॉर्डिंग संगीत उद्योग पर अपना दबदबा बनाए रखा दोस्तों, इसने अपना दबदबा बना रखा, ये जो यंत्र था इसने, इसी से लोग संगीत सुना करते थे, है ना, यूएसए के थे ये और 1948 में इसका आविष्कार किया था, तो याद रखना है रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग का आविष्कार डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने किया था, यूएसए के थे, 1948 में किया था। बात करते हैं अपन लेजर की, तो दोस्तों लेजर का आविष्कार किसने किया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, लेजर का आविष्कार किसने किया, तो लेजर का आविष्कार किया था जिसका नाम था थियोडर मेमेन ने किया था दोस्तों, क्या नाम था उसका, थियोडर मेमेन कई जगह यानी इंग्लिश में ऐसा लिखा है मैमन थियोडोर मेमन ने 1960 में कब किया था, 1960 में यूएसए के थे, इसका आविष्कार किया था लेजर का दोस्तों। तो लेजर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं, लेजर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है दोस्तों, क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है दोस्तों, है ना, ये होता है, याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। लेजर किरणें काफ़ी घनी और शक्तिशाली होती है, दोस्तों, है ना, तो ये इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका आविष्कार किया था, इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं इससे। और लेजर का आविष्कार करने के बाद यानी लेजर बहुत
बस इतनी चीजें याद रख सकते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था, है ना, ये थियोडर मेमन ने, यूएसए के थे, 1960 में किया था। बात करेंगे अपन लिफ्ट की, तो यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो लिफ्ट का आविष्कार अमेरिकी उद्योगपति जिसका नाम था एलिसा ओटिस। तो कई बुकों में ये भी लिखा हुआ है एलिसा, है ना, एलिसा को एलिसा लिखा है, एलिसा ओटिस ने किया था दोस्तों। उन्होंने साल 1852 में कब किया था, देखो यहाँ साल 1852 में लिफ्ट का आविष्कार किया था, है ना। ओटिस ने ही सुरक्षा उपकरण का भी आविष्कार किया था, है ना, लिफ्ट में सुरक्षा उपकरण का, जो लिफ्ट केबल की विफल होने पर या टूटने पर लिफ्ट को गिरने से रोक सकता था, उसका आविष्कार भी इन्होंने किया था, याद रखना है, है ना। बस तो अपने को याद रखना है लिफ्ट, कौन सी लिफ्ट, यांत्रिकी लिफ्ट, इसका आविष्कार किसने किया था, तो एलिसा ओटिस ने किया था, यूएसए के थे ये, और 1852 में किया था दोस्तों, 1852 में किया था, इतना याद रख सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं अपन लाइटिंग कंडक्टर को हिंदी में तड़ित चालक भी बोलते हैं दोस्तों, तड़ित चालक भी बोलते हैं। लाइटिंग कंडक्टर या तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जो ऊंचे भवनों की छत पर रक्षा के लिए लगाई जाती है दोस्तों। तड़ित चालक का ऊपरी हिस्सा नुकीला रख देते हैं और भवनों के ऊपर हिस्से में उसको लगाते हैं और नीचे भवन के नीचे तक के जड़ के जमीन में गड्ढा खोदते हैं और जमीन में गड्ढा खोद के वह नमक और कोयला वोयला डाल के बिल्कुल उसको अर्थिंग देते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं तड़ित चालक। तो बिजली की छड़ का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, याद रखना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये अमेरिका के थे। 1737 में इसका आविष्कार किया था, कब, 1737 में इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो बिजली की छड़ का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन इसे निर्णायक रूप से परिपूर्ण बनाने का काम निकोला टेस्ला ने किया था दोस्तों, निकोला टेस्ला ने किया था। लेकिन अपने को लाइटिंग कंडक्टर का पूछेगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनकी जो फोटो है दोस्तों वो $100 जो होता है दोस्तों, $100 उसमें इनकी फोटो रहती है, याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट है लिनोलियम क्या होता है दोस्तों, ये लिनोलियम क्या होता है अपने को पता नहीं रहता, इसलिए मैं आपको उसका मतलब भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा फर्श होता है दोस्तों, ये फर्श जिसको अपन फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं, फ्लोरिंग है ना, फ्लोरिंग कराते ना अपन, तो ये ऐसा वाला था, एक लिनोलियम एक फर्श या फ्लोरिंग है, फर्श कवरिंग होता है जो ठोस कैसे बनता है, अलसी के तेल, है ना, और पाइन राल, पिसी हुई कार्क और धूल, चूरा और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज जैसी सामग्रियों से बना होता है दोस्तों, उसी का नाम रख दिया गया था लिनोलियम। लिनोलियम का आविष्कार किसने किया था, अपने को आते रहता है पेपर में या पता रहना चाहिए कम से कम, जिसका नाम था फ्रेडरिक बाल्टन ने किया था दोस्तों, यूएसए के थे ये, 17 ये कहाँ के थे, नहीं ब्रिटेन के थे, 1860 में इसका आविष्कार किया था, ब्रिटेन के से थे, 1860 में इसका आविष्कार किया था, इनका नाम याद रखना है, है ना, ये अपने को पता रहना चाहिए। लिनोलियम का आविष्कार फ्रेडरिक बाल्टन ने किया था, याद रखना है ना, फ्रेडरिक बाल्टन ने किया था, क्या था ये मैंने बता दिया, है ना, जो अलसी के तेल, कार्क और वुड, फ्लोर, मिनरल और कई सारी चीज़ें मिलाकर प्राकृतिक सामग्रियों के मिश्रण से बना हुआ था। तो किस किस चीज़ से बना हुआ था मैंने बताया, जो ठोस अलसी के तेल, है ना, और पिसी हुई कार्क धूल चूरा कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज भस्म मिक्सर से बना हुआ था, इतना याद रखना है। बात करते हैं लोकोमोटिव रेल की, लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकोमोटिव का मतलब होता है एक ट्रेन की गाड़ी होती है जो ट्रेन को दूसरी पीछे लगी हुई गाड़ियों को खींचती है, उसे ही बोलते हैं लोकोमोटिव, है ना, उसे ही बोलते हैं। तो लोकोमोटिव को रेल इंजन होते हैं, लोकोमोटिव या रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था पूछा जा सकता है, लोकोमोटिव रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो लोकोमोटिव का मतलब मैंने बता दिया, जो गाड़ियों को खींचती है, है ना, जो सामने इंजन होता है रेल इंजन, लोकोमोटिव उसे बोलते हैं। लोकोमोटिव का आविष्कार किया था रिचर्ड ट्रेकी थिक ने किया था दोस्तों, नाम याद रखना है, रिचर्ड
ट्रे की थिक ने साल 1803 में दुनिया का पहला भाप रेलवे इंजन बनाया था। यह एक ब्रिटिश मैकेनिकल इंजीनियर और आविष्कारक थे दोस्तों। इन्होंने लोकोमोटिव रेल इंजन बनाया था, याद रखना है, जो जो एक इंजन था जो पूरी ट्रेन को खींच सकता था, तो अपने को पूछा जाते रहता है लोकोमोटिव रेल इंजन का निर्माण किसने किया था, नहीं आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार किया था रिचर्ड ट्रेकीथिक। ट्रेकीथिक नाम याद रखना है इसका, रिचर्ड ट्रेकीथिक। कई जगह तो इसका नाम ट्रेकीथिक की जगह ऐसे लिखा है दोस्तों, रिचर्ड ट्रेवीथिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ यहाँ रहता है बुकों में, इंग्लिश में नाम थे सब हिंदी में छपे बुकों में, तो ट्रेवीथिक नाम याद रख सकते हैं, दोनों नाम जो भी आया। ब्रिटेन के थे ये 1804 में आविष्कार किया था। बात करते हैं थर्मस फ्लास्क की, तो थर्मस फ्लास्क क्या होता है ये पता होना था। तो ये दोस्तों थर्मस है, थर्मस आपने लगाए होंगे कई बार, अपन थर्मस के अंदर चाय को रख देते हैं तो चाय ठंडी नहीं होती, गर्म पानी को रख देते हैं तो गर्म पानी ठंडा नहीं होता जल्दी, उसे ही बोलते हैं थर्मस फ्लास्क। तो दोस्तों ये कैसे बनता है, थर्मस फ्लास्क में दो बर्तन होते हैं, देखा होगा आपने, ऐसी बॉटल रहती है, ये ऐसी बॉटल है ना, यहाँ से ये बॉटल, तो इसमें क्या होता है दो बर्तन रहते हैं, यहाँ पे अंदर एक और रहता है परत, है ना, अंदर एक और परत रहता है, यहाँ से टच रहता है। तो दोस्तों थर्मस फ्लास्क में दो बर्तन होते हैं, एक दूसरे के अंदर रखा जाता है और गर्दन से जोड़ दिया जाता है, जो गर्दन वाली इस तरह रहता है उससे जोड़ दिया जाता है। दो बर्तन के बीच की जगह से आंशिक रूप से हवा निकाल दी जाती है दोस्तों, इसके अंदर आंशिक रूप से हवा निकाल दी जाती है, टोटल पूरा आंशिक रूप से हवा निकाल दी जाती है, जिसे आंशिक वैक्यूम बन जाता है, जिससे हवा निकालने से आंशिक वैक्यूम बन जाता है, जो गर्म चालन या संवहन को कम करता है, दोस्तों, और इसी से ये थर्मस का काम करता है दोस्तों, है ना, थर्मस का काम करता है, और कोई भी गर्म चीज़ को ठंडा नहीं होने देता, है ना, और ठंडी चीज़ को गर्म नहीं होने देता, तो बाहरी तापमान से बचा के रखता है उसको, क्योंकि बीच में जो होता है वो आंशिक वैक्यूम बना हुआ रहता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इसका आविष्कार किसने किया था, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डेवर ने किया था दोस्तों, जिसका नाम था जेम्स डेवर, ये ऐसा लिखा है कई जगह डेवर, है ना, जेम्स डेवर, यहाँ पे डेवार लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए के थे ये, 1714 में किया था, याद रखना है 1714 में, नाम याद रखना है, क्या नाम था, जेम्स डेवर, ये डेवार, है ना। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर की बात करते हैं, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो माइक्रोमीटर का आविष्कार अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम कोजिन ने किया था, है ना, इनका पूरा नाम था विलियम कोजिन गैस को इग्ने ने किया था दोस्तों। कब किया था इसका आविष्कार, 1636 में किया था, ब्रिटेन के थे ये, 1636 में, और ब्रिटेन के थे, याद रखना है, 1636 में किया था और ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन आ सकता है, है ना, क्या होता था ये माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, अपने क्वेश्चन आ सकता है। माइक्रोमीटर जो छोटी चीज़ों को भी नाप सकता था दोस्तों, बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को नाप सकता था, है ना, तो पता रहना चाहिए अपने को, बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को नाप सकता था ये माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को नाप सकता था, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, विलियम कोजिन गैस को इग्ने ने किया था, याद रखना है। कब किया था, तो ये किया था 1636 में, ब्रिटेन के थे। बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार आर्नेस्ट लॉरेंस ने किया था। क्या नाम था इसका पूरा, लॉरेंस ने किया था दोस्तों, है ना। लॉरेंस उस समय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे दोस्तों, कैलिफोर्निया यूएसए में 1931 की बात है, है ना, प्रोफेसर थे जब इसका आविष्कार किया था, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था, और इन्होंने 1934 में इसका पेटेंट भी करवाया था। साइक्लोट्रॉन के आविष्कार और विकास में लॉरेंस
को भौतिकी का नोबल भी दिया गया था दोस्तों, है ना। तो 1939 में इसे भौतिकी का नोबल भी दिया गया था, लॉरेंस को भौतिकी का नोबल भी पुरस्कार भी दिया गया था साइक्लोट्रॉन के आविष्कार के लिए। साइक्लोट्रॉन क्या होता है दोस्तों? तो साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरक है। क्या है ये? एक कण। ये क्या है? ये है एक कण त्वरक। कण त्वरक है, एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए परमाणु कणों को उच्च वेग तक त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की मदद से शोधकर्ता परमाणु नाभिकी का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, परमाणु नाभिकी का अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका इलाज में भी उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन से निकलने वाली किरणों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, है ना, कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। प्रोटॉन थेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, याद रखना है इतनी चीज़ें। बात करते हैं अपन जेट इंजन की। जेट इंजन क्या होता है? तो एक प्रकार का रिएक्शन इंजन होता है जो रिएक्ट करके बनता है। एक प्रकार का रिएक्शन इंजन होता है जो गर्म गैस आमतौर पर हवा के क्षेत्र वाली गति देते हुए एनर्जी उत्पादन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं जेट इंजन। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, अपने को पता होना। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटले ने किया था। क्या नाम था इसका पूरा? सर फ्रैंक व्हिटले ने किया था, याद रखना। ब्रिटेन के थे ये, 1937 में किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। आधुनिक विमानों में ज़्यादातर जेट इंजन का ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हिटले ने किया था। सर फ्रैंक व्हिटल लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, व्हिटल लिखा है तो याद रखना है। तो व्हिटले ने किया था, व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार। अगला है सौरमंडल की बात करते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की, अपने क्वेश्चन आएगा। तो सौरमंडल की खोज पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिक्स ने की थी, याद रखना है। उन्होंने ही सौरमंडल की वास्तविक संरचना का पता लगाया था। कॉपरनिक्स ने ही सूर्य को सौरमंडल का केंद्रीय बताया था दोस्तों, और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने का प्रस्ताव दिया था इन्होंने। कॉपरनिक्स ने ही यह भी बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी वजह से रोजाना तारे हमको रात में घूमते हुए नजर आते हैं, ये बताया था। कॉपरनिक्स के सिद्धांत को साल 1543 में प्रकाशित की गई एक किताब में छापा था दोस्तों, कॉपरनिक्स के सिद्धांत को शुरू में विरोध का सामना करना पड़ा था, है ना, सब लोग विरोध कर रहे थे, क्या बता रहा है ये, ऐसा होता है कि कोई कोई चीज घूमती है क्या, और ऐसा होता है करके सबको विरोध का सामना करना पड़ा था, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो कॉपरनिक्स के सिद्धांत को इसने प्रकाशित किया अपनी बुक में, उसके बाद कॉपरनिक्स के सिद्धांत को शुरू में विरोध का सामना करना पड़ा था, लोग बोल रहे थे पागल हो गया ये कुछ कुछ बता रहा है ना। फिर बाद में इसके वैज्ञानिकों की परिदृश्य बदल गया दोस्तों, और वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे इसकी बात सिद्ध हुई और इसकी बात माना जाने लगा, और फिर सिद्ध ही हो गया दोस्तों, ऐसा हुआ था। तो ये पता होना अपने को, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सौरमंडल की खोज किसने की, तो निकोलस कॉपरनिकस ने की थी, याद रखना है, है ना, पोलैंड के थे ये, और कब की थी, तो 1540 में। नेक्स्ट, ग्रहों की खोज किसने की दोस्तों, तो देखो ग्रहों की खोज किसने की क्वेश्चन आएगा, तो देखो ग्रहों की खोज के बारे में जानकारी भी हमको सबसे पहले इसी ने दिया था, किसने, ये निकोलस कॉपरनिकस ने ही हमको इसके बारे में जानकारी दिया था ग्रहों के बारे में। लेकिन हमको क्वेश्चन आएगा कभी कि ग्रहों की खोज किसने की, तो आपको बता दूँ
ग्रहों की गति के बारे में बताया किसने हमको, ग्रहों की खोज तो कॉपरनिकस ने किया था, लेकिन ग्रहों की खोज अगर क्वेश्चन आएगा ग्रहों की खोज किसने की, तो आप यही केपलर लगा सकते हैं, केपलर जिसका नाम पूरा था जोहान्स, जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर ने ही ग्रहों की गति के बारे में बताया था दोस्तों, ग्रहों की गति के बारे में बताया था कि कैसे घूमते हैं ग्रह करके, है ना। तो ग्रहों की खोज किसने की क्वेश्चन आएगा, तो केपलर ने की थी, जिसका नाम था जोहानसन केपलर ने की थी, इसने ही हमको ग्रहों की गति के बारे में बताया था और तीन नियम दिए थे दोस्तों, इन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया और तीन नियम दिए थे, तीन नियम। पहला नियम था ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, ये पहला नियम था। दूसरा नियम था किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाला त्रिज्या सदिश सामान्य समय अवधि में सामान्य क्षेत्र को साफ करता है, है ना, ये बताया था। तीसरा बताया था इनने, तीसरा नियम था किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि उसकी कक्षा के आकार के समानुपातिक होती है, ये बताया था दोस्तों, ये बताया था, तीन नियम दिया था, है ना केपलर ने। केपलर ने इन नियमों के निकोलस कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को बदल दिया था दोस्तों। केपलर के नियम ने ब्रह्मांड विज्ञान की कुछ मान्यताओं को चुनौती दे दी थी और उसने केपलर के चुंबकत्व का अनुमान लगाया था, इतना याद रख सकते हैं अपन, है ना इतना। तो अपने को क्वेश्चन पूछेगा सौरमंडल की खोज किसने की, तो कॉपरनिकस ने, और ग्रहों की खोज किसने की, तो केपलर ने की, इतना याद रखना है। जर्मनी के थे, 1606 में इसकी खोज की थी इन्होंने, याद रखना है। बात करते हैं स्कूटर की, स्कूटर की खोज किसने की, स्कूटर तो आप लोगों ने चलाए छोंगे, है कि नहीं, स्कूटर की खोज किसने की क्वेश्चन आ सकता है, स्कूटर की खोज किसने की करके। तो स्कूटर के आविष्कारक जो थे दोस्तों, कई लोगों को नाम जाता है, श्रेय जाता है स्कूटर का, लेकिन ये नाम है एक जो पता रहना चाहिए अपने को, जर्मनी के थे, नहीं जर्मनी के नहीं थे, हाँ जर्मनी के ही थे, जर्मनी के थे, जर्मनी ने ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटेन के थे, जिसका नाम था जी ब्राडसा को जाता है दोस्तों। जी ब्राडसा ने 1919 में ब्रिटेन में स्कूटर का आविष्कार किया था, जिसमें ऐसा दो हैंडल था, है ना, घुमाने का, और बिल्कुल स्कूटर जो अभी चलाते हैं अपन वैसा वाला की बात हो रही है। तो स्कूटर का आविष्कार 1919 में ब्रिटेन में किसने किया था, जी ब्राडसा ने किया था स्कूटर का आविष्कार, याद रखना है, पूछा जाएगा अपने, है ना, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। बात करते हैं हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो हेलीकॉप्टर का जो इन्वेंटर था दोस्तों, उसमें कई लोगों का नाम आता है, लेकिन अपने को तीन नाम पता होना, जिसमें से एक नाम ये इंपॉर्टेंट है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, जिसका नाम था PAUL PAUL CORNU, है ना। तो पाल कार्नू ने किया था दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार, किसने किया था, पाल कार्नू ने किया था। हेलीकॉप्टर की खोज करने का श्रेय कई लोगों को दिया जाता है दोस्तों, धीरे धीरे कई प्रकार के आविष्कार हुआ, लेकिन विमान का जनक आप बोलेंगे तो कोई और है, इसका जनक और कोई और है, लेकिन बात हो रही है हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर के जनक में पाल कार्नू का नाम आता है, जो फ्रांस के थे, याद रखना है, फ्रांस के थे, पाल कार्नू का नाम आता है। 1907 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था इन्होंने, पाल कार्नू ने। इसके अलावा एक और नाम आता है इगोर सिकोर्स्काय का नाम भी आता है दोस्तों, ये भी इसके साथ मिले हुए थे। इसके अलावा एक और नाम आता है, एम यंग का नाम आता है। ये तीन नाम आते हैं, जिसमें से अपने को परीक्षा के हिसाब से पाल कार्नू का नाम याद रखना है अपने को परीक्षा के हिसाब से, है ना, परीक्षा के हिसाब से। पाल कार्नू एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे दोस्तों, है ना, जिन्होंने चालक दल के साथ मुक्त उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर डिजाइन और निर्मित किया था। कौन सा था, दल के साथ मुक्त उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर डिजाइन और निर्मित किया था, है ना। तो इतना याद रखना है, इसलिए अपने को इनसे पता रहना चाहिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, पाल कार्नू ने किया था, फ्रांसीसी इंजीनियर थे ये, और 1907 में किया था। इतनी चीज़ें पता चल गई, ये देखो, ये जितनी भी जानकारी अपन ने पढ़े, ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार है दोस्तों। क्या होता है ये, क्या है ये है क्या चीज़, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका दुनिया का सबसे पुराना और लगातार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश है दोस्तों। तो इसमें, इसके अनुसार ये बातें, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें छपी है
जानकारी अपने को आविष्कारक के नाम है ना उसमें इंग्लिश में लिखे हुए थे, फिर लूसेंट वाले ने हिंदी में छाप पाए दोस्तों, इसलिए थोड़े से नाम प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुए हैं, है ना, मिसप्रिंटिंग भी रहता है, गड़बड़ हुए हैं दोस्तों। तो ये है ना, तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ब्रिटिश इनसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं इसको, एक सामान्य ज्ञान अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश है, एक सामान्य ज्ञान अंग्रेजी भाषा का विश्वकोश है। जैसे विकिपीडिया होता है ना दोस्तों, विकिपीडिया वो भी एक प्रकार का इनसाइक्लोपीडिया है, उसी प्रकार का ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ये पूरी चीजें छपी हुई थी। तो इतना याद रखना है अपने को। इस तरीके से ये लेक्चर धमाकेदार तरीके से कंप्लीट हुआ। अगर धीरे धीरे पढ़ाया हूं मैंने तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन पूरी जानकारी एक बार पता होना अपने को। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार मैंने डिस्कस किया आपके साथ, विभिन्न उपकरणों एवं उनके उपयोग डिस्कस किया। इस तरीके से मेरी सारी फिजिक्स कंप्लीट होती है दोस्तों। लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।